लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो माहवारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। सफाई कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, फिर भी साफ नहीं है मन। सफाई कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, फिर भी साफ नहीं है मन। लॉटरी जीत गए क्या? अरे कभी तेरा टिकट जीता भी है? तू अपना टिकट लेके सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने आता है यहाँ पर? मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। मेरा टिकट देखो तो, जीता क्या मैंने? अगर नंबर 9 या 6 होता तो तुम जीत जाते। लो पकड़ो अपना टिकट। ए बुड्ढे, क्या कर रहा है? सब साफ हो गया क्या? बाहर से तो सब साफ हो गया, लेकिन अंदर से कुछ भी साफ नहीं। अंदर बाहर सब कैसे साफ करे? अब ये डायलॉग मारना बंद कर और दुकान लॉक करके चाबी रशीद को ले जाकर दे दे। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई, हाँ, एक चाय लाना। हाँ लाता हूँ। चांस ही नहीं है। तुम गाने के लिए किसी और को ढूंढ लो, नायला तो नहीं मिलेगी, है ना? उस
उसकी मम्मी बोल रही थी कि उसे स्कूल नहीं भेजेंगी। अरे पर अपना प्रोग्राम तो नेक्स्ट वीक है ना। इनसे बात करके कोई मतलब नहीं। गाना गाने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। अरे मैं हूँ ना। ये लो, ये कब से गाना गाने लगी बताओ भला। अरे नायला नहीं आ रही है, इसलिए तेरा मूड ऑफ हो गया क्या? ए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे उसके घर चला जाना यार। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उसके डैडी बहुत परेशान करते हैं। तो फिर उससे फोन पर बात कर ले तू। बैलेंस नहीं है यार। कंजूस, तेरे पास बैलेंस भी नहीं रहता। चल। सौ रुपया दे दो ना बेटा। उन्नी मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग चाय। क्या है रे, तू आधी रात को आता है और सुबह सुबह उठकर जल्दी चला जाता है। वीजा की उम्मीद में तू कितने दिनों से उस रशीद के पीछे पड़ा हुआ है? कितना टाइम हो गया, कहाँ है तेरा वीजा? हैं? तुझे तो घर की कोई चिंता ही नहीं है, है ना? हैं? तूने कभी सोचा है घर में राशन कहाँ से आता है? हैं? हाँ हाँ, तू क्यों सोचेगा, तू तो बस यहाँ बैठकर दिन रात। भैया इस बुढ़िया को जो चाहिए वो दे देना। बहुत अच्छे से दिन की शुरुआत हो गई। पाव की रशक कर देना। अच्छा क्या कर रही हो? ये मेरा है इसीलिए तो पूछ रही हूँ। ठीक है ये ले लो और खुद चेक कर लो। ये मत सोच कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैंने भी अच्छे से इंग्लिश सीखी है। तेरे डैडी को पता है तू क्या करना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये उपाय निकाला और तेरा स्कूल जाना बंद करा दिया। वो अकेले में ये फैसला ले सकते हैं क्या? कौन सा? कि मैं पढ़ाई ना करूं? तूने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली, यही प्रॉब्लम है। तेरे डैडी का स्वभाव तो तुझे पता है ना, तू किसी लड़के के साथ बाइक पर जा रही थी ये उन्हें पता चल गया। इसके अलावा और कुछ तो नहीं किया ना? मेरा मुंह मत खुलवा समझी। सभा सभा, क्या हो रहा है? ये देखिए ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप खुद देख लीजिए। नायला क्या हुआ पापा? क्या है ये? ये मेरी फ्रेंड ने भेजा है। तुमसे मैं पहले भी कह चुका हूँ ना, फोन पर अब से ये मैसेज वैसेज नहीं चलने वाला, भूलो मत, तुम्हारी सगाई हो चुकी है। नहीं पापा, वो कॉलेज का म्यूजिक। कॉलेज म्यूजिक अब सब बंद, समझ गई ना? तो वो कह रहे हैं कि वो फिर से अटैक करेंगे। ठीक है तो हम भी इंतजार करेंगे, तुम बस अपनी जुबान दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर केस होता है तो भी कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ निपटा लेंगे। अगर हम इस मामले को बिना किसी मैटर के सॉल्व कर लेते हैं तो। कौन है वो? ए, सामने से हटो, साइड करो, हटो हटो, टच अप। ओके रिटेक। रेडी सर। अभी सबको प्रेमलाल की डेट्स चाहिए, सुपरस्टार होने पे ही चैनल वाले खरीदते हैं। हमने पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली। वो आपको डेट्स देगा लेकिन सही समय पे कभी नहीं आएगा। देखो उसे 8 बजे तक आना था, अभी तक नहीं आया। सर शॉट रेडी हो गया है। एक मिनट। हाँ सर, चाय। थैंक्स। मैं पहुंचने के बाद फोन करता हूँ। चलो प्रताप नगर ले लो। हाँ मैं पहुंचने के बाद फोन करता हूँ। हाँ ओके ओके। बहुत ही कड़क है। हाँ मैं बासु हूँ। उसका काम कर दिया क्या? वो चली गई। ठीक है। हाँ ओके। वो हम बाद में मैनेज कर लेंगे, उसकी चिंता मत करना, मैं वहाँ आकर ले आऊँगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपका काम पूरा परफेक्ट हो जाएगा, बाकी बात मैं आकर करता हूँ। ओके। ए, आगे देखकर गाड़ी चला, नहीं तो किसी को ठोक देगा, समझा क्या? पता नहीं कहाँ ध्यान है, इसीलिए मैं कह रहा था।
हाँ सर, बासू बोल रहा हूँ। काम हो गया सर, और उसके बाद वहाँ से वो चली गई थी। हाँ ठीक है ठीक है, हो जाएगा सर। ठीक है सर, ओके सर। वो अभी तक यहाँ आए नहीं है, आप उनसे कल या परसों मिल सकते हैं। तो फिर मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ जी सर, ठीक है, ओके। हेलो, शूटिंग का टाइम तो मिल जाएगा। हाँ, हो जाएगा, मैं चलता हूँ जी। ठीक है। ये कौन है? इन्हें पहचाना नहीं? हाँ? डायरेक्टर मनोहर। हाँ? फिल्मों को लेके सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल इंसान, लेकिन अभी वो इस फील्ड में नहीं है। हाँ? बदकिस्मती, अपनी वो सुभाश्री है ना। हाँ? वही हीरोइन थी, लेकिन वो फिल्म के बीच में ही मर गई, इसलिए फिल्म रुक गई। अगर वो फिल्म आ जाती ना, तो हिंदी फिल्मों का स्टाइल ही कुछ और होता। उसको मरे हुए तो 10 साल हो गए ना, उसके बाद उसने कोई फिल्म नहीं बनाई। उसे नहीं करना था, वो एक अलग तरह का इंसान है। उसके पास जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, तभी वो फिल्म बनाएगा। अभी उसने किसी नए सब्जेक्ट पे स्टडी की है। सर, हाँ, हाँ, अच्छा रहेगा कि वो रिलीज हो जाए, इसलिए उसे प्रेमलाल की डेट्स चाहिए। अगर उसने डेट्स दे दिए तो ये सुपर फिल्म बनेगी। हाँ हाँ बोलो। हाँ मधु, रेडी है ना सब? तुम आगे जाओ। अरे वासु भैया, कौन है ये लड़की? हाँ? ए, क्या है, जो भी मेरे साथ आता है उसको गलत मत समझा करो। ये फिल्म में एक्टिंग करने आई है। ओ, तो तुम फिल्मों के लिए लड़कियां भी सप्लाई करते हो क्या? और क्या। तो तुम्हारे पास संभोग के लिए स्टॉक है क्या? तुम्हें जो पसंद है वो स्टॉक तो मेरे पास बहुत है, लेकिन तुम उसकी कीमत नहीं दे पाओगे। अरे क्या वासु भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, कॉलेज की लड़कियों का मिनिमम 3000 रुपए रेट है, क्या तुम दे पाओगे? सीरियल या सिनेमा की पार्टी हो तो रेट ज्यादा है, समझे तुम? हो, तुम तो बहुत ही बिजी हो चुके हो। बिजी? अरे मुझे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अच्छा भाई, तुम्हारा नंबर तो वही है ना? मैं कैसे बदल सकता हूँ, मुझे इतने सारे कस्टमर्स के कॉल आते हैं। मैं भी कभी कभी कॉल करूंगा। ये ले, रख ले, ऐसे में किसी को पैसे नहीं देता हूँ, तुझे दे रहा हूँ। चल मिलते हैं। ऑटो? हाँ किधर? महारानी। ओ अरे रुको जरा, एक मिनट रुको। क्यों? मैं शायद अपना फोन कहीं भूल गया हूँ। एक मिनट। सर, आप फोन भूल गए थे। थैंक्स। नाम क्या है तुम्हारा? जोएल जोस सर। वैसे मैं आपसे पहले एक बार मिल चुका हूँ। मैं भानु सर का असिस्टेंट हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप कब शुरू कर रहे हैं सर? अप्रैल के एंड में शुरू करने का प्लान है सर। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कॉल करूँगा। ओके सर। चलो। हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं उस लोकेशन पर गया था। हाँ हाँ, डेट कंफर्म करने के लिए ही तो गया था, लेकिन वो आया ही नहीं था। सिनेमा है ना, तुम्हें तो पता ही है। अच्छा, कल तुम ड्यूटी पर रहोगे क्या? हाँ हाँ हाँ, हम मिलते हैं। ओके, हाँ हाँ, हमें करना चाहिए। सर, आप सिनेमा करते हो? ज्यादा कुछ नहीं। डायरेक्शन? हाँ, ऐसा ही कुछ मान लो। आपकी नई फिल्म कौन सी है? वो तो जब शुरू होगी तभी बता सकता हूँ भाई। हिंदी फिल्म में आजकल कहानियां ही नहीं है सर, इसलिए हमारी फिल्में फ्लॉप होती हैं। ऐसा है तो तुम कोई अच्छी सी कहानी लिख के किसी को भेज दो ना। लेकिन वो अपन की फील्ड नहीं है ना सर। तो फिर कौन सा फील्ड है तुम्हारा? अपना फील्ड तो यही ऑटो। हाँ, तो फिर उसी फील्ड में चुपचाप सीधे सीधे चलते जाओ।
सर आप बाबुक्का को जानते हो क्या? कौन सा बाबुक्का? वो मेरे गांव का है, उसने कुछ अच्छे गाने गाए हैं। ओ एमएस बाबूराज, वो तो बहुत बड़े इंसान है। आपका गांव कौन सा है? सारे शहर मेरे गांव जैसे ही है। ये बात भी सही है। आपके फिल्म में कोई गाना है क्या, या फिर ये कोई अवार्ड मूवी है? नहीं उसमें गाने हैं। फिल्म में गाने होने ही चाहिए, नहीं तो फिल्म का मजा भी क्या है। तो तुम्हें गाने बहुत पसंद है? अरे गाना तो मेरी तुम्हारी क्या जान है। हाँ रशीद भाई बोलो। हाँ इस समय कहाँ है तू? ऑटो चला रहा है? हाँ ऑटो चला रहा हूँ, बताओ। आते समय ना ट्रैवल एजेंसी से मेरा टिकट कंफर्म कर लेना। ओके। मैंने उससे कह दिया था तैयार रखने के लिए। अच्छा अब टिकट रेडी है क्या? अब वो रेडी होगा, तुम कलेक्ट कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो। अच्छा एक बात और, मुझे फोन के लिए एक नया सिम कार्ड चाहिए, तुम वो भी लेते आओगे? क्या कहा, सिम कार्ड? हाँ मुझे अपना नंबर चेंज करना। सिम कार्ड के लिए आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए ना? कौन सा कार्ड? आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ऐसा ही कुछ। मेरे पास बहुत सारे कार्ड है, तुम्हें कौन सा चाहिए बता दो। आप बताओ आपको कौन सी कंपनी का चाहिए? बहुत सारी कंपनियां हैं, आप बस बता दो आपको कौन सी कंपनी का अच्छा लगता है। अरे जो भी अच्छा है वो खरीद लेना ना, अब ये सभी मैं ही बताऊं क्या? तुम्हें जो भी कार्ड ठीक लगे वो तुम ले लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अच्छा वो रशीद की बात सुनती है या नहीं? बस इसी बात की तो तसल्ली है कि वो अपने डैडी की बात जरूर सुनती है, तुम्हें तो उनका स्वभाव पता है ना। अच्छी बात है, आजकल की लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है, वहाँ भी एक है ना पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठी रहती। हाँ, है। और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं आता, हम स्कूल जाते थे तब ये सब नहीं था। आजकल के लोग बस फोन और कंप्यूटर में घुसे रहते हैं, फोन से मैसेज भेजते हैं, पता नहीं क्या लिखते रहते हैं ये लोग। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ अलग ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोड? कैसा कोड? घर में मेहमान आए हैं तो तू रूम में क्यों बैठी है? आप लोग कब से मेहमान बन गए? ओ तो तू हमें घर का सदस्य समझती है, अच्छा लगा। चाहिए? तुम बेवजह फिक्र करती हो सबा, तुम्हारी बेटी सब कुछ समझती है। उम्मीद तो है कि ये समझ जाए। लेकिन अचानक से ये सगाई क्यों कर दी आपने? आजकल की लड़कियां तो जिन लड़कों से फोन पे बात करती हैं उनके साथ घूमती भी रहती हैं। सभा तो टेंशन में रहती है, मैं भी यहाँ पर नहीं रहता हूँ, तो हमने सोचा कि इसकी शादी करवा देते हैं। मोहिद्दीन के बेटे के बारे में सोचा है, उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। सही कहा, वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में क्या रखा है। कितने हुए? आपको जो सही लगे वो दे दो। अरे कितने हुए बताओ ना। सर हमारे अंदर भी कला है, कलाकार और फुटबॉलर को हम बहुत पसंद करते हैं। आपका जो मन करे वो दे दो। ठीक है। हेलो। ठीक है सर मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। ओहो पास हो गया, मुझे बहुत सारी उम्मीद थी। हाँ अरे अब जाके मुझे थोड़ा चैन मिला। हाँ तुम एक काम करो, आभुकार को भी बता दो, वो हमारे पिता के बहुत करीबी थे। ठीक है। नाइला कहाँ है? वो तो अंदर है, उसे बता देना कि हम चले गए। तुम्हें मेरे रिश्तेदारों से इतना अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं। तुम अपने सारे रिश्तेदारों को तो बुलाती रहती हो, मैंने कभी मना किया क्या? और हाँ उस जमाल को कभी नहीं बुलाऊंगा, ये तुमसे कहा था ना, उसकी वजह तुम्हें नहीं पता होगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ उसकी वजह क्या है। वहाँ उसने क्या किया पता है? मेरे बच्चों ने जो पैसे कमाए थे उसने चोरी कर ली। बताओ तो। जमाल को बुलाने के लिए मैंने तुमसे कहा था, अब तुम्हें मेरी माँ और बहन को भी बुलाना। तुम क्यों नहीं बुला लेती? घर में मर्द के होते हुए औरत बुलाने जाएगी क्या? हाँ, वो लोग मेरी नजर में अच्छे इंसान नहीं है। मेरे रिश्तेदारों के बारे में हमेशा ऐसे ही बोलते हो। देखो तुम्हें जो भी अच्छा लगता है ना वो करो, मैं उनको नहीं बुलाने वाला। ए, कहाँ है वो तुम्हारा बॉस? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी दुकान के सामने कोई गाड़ी रिपेयर मत करना। ए, हटाओ इसे यहाँ से। तो फिर मुझे 5 एकड़ की जमीन दे दो।
तुम्हारी दुकान तो वैसे भी बंद ही है ना। बंद रहे या चालू रहे तुम्हें उससे क्या है, मैंने तुम्हें जगह दिया ना भाड़े पर, तुम आ जाकर अपना काम करो। अगर ऐसा है तो मुझे भी निकाल दो। हाँ निकालूंगा, इसीलिए तो मैंने कोर्ट में भी केस कर दिया है। जब कोर्ट में केस कर ही दिया है तो कोर्ट को ही डिसाइड करने दो ना। मत करो तुम। ए जोसेफ, इस गाड़ी को साइड में ले लेना। तू जाके अपना काम देख, मुझे अपना काम करने दे, समझा? फिर तू अपनी जगह पर काम क्यों नहीं करता? ओ तो यहाँ पे मेरे साथ तेरी भी जगह है क्या? तू चुपचाप अपनी गाड़ी यहाँ से हटा दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुझसे भी बड़े बड़े लोगों का सामना किया है, समझ गया तू? तू दुबई का बहुत बड़ा आदमी होगा लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलता। तू नहीं हटाएगा तो मैं इसे हटा दूंगा। सुन ले, तूने अभी जोसेफ को देखा नहीं है, समझ गया ना? अरे आप चलिए यहाँ से। मेरे साथ दिखाता हूँ, बच कर रहना मुझसे। अरे पागल है वो, चलिए। अरे क्या सूरा, आज भी तू लेट हो गया। मार्केट में सब्जियां पहुंचते पहुंचते सड़ जाएंगी। अरे क्या कर सकते हैं भाई, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। भाई प्यास लगी है, जूस पियोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, तू अब जा जा। ठीक है तो फिर लोड कर दो। ठीक है, जल्दी से लेकर आओ। अरे भाई एक जूस देना। ले लो 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, आ जाओ आ जाओ, मार खत्म हो गया। 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, ताजा मार, ताजा हरे टमाटर 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो, लाल टमाटर हरे सब। आइए आइए, हां भाई साहब इधर आइए, हां 20 रुपए किलो, लुट गया माल, लुट गया, आ जाइए जल्दी आ जाइए, एकदम ताजा आज का सुबह-सुबह का। हां मैं अपना एक बैग एक ऑटो में भूल गया था। ड्राइवर थोड़ा सा गंजा है और हल्के हल्की हल्की दाढ़ी। गाड़ी का नंबर याद है क्या? नहीं नंबर तो मुझे नहीं याद। कहाँ से पकड़ी थी? मैं वेस्ट हिल में चढ़ा था और महारानी पे उतरा था। अगर तुम महारानी पे उतरे थे तो यहाँ पर ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। चलो जो भी हो एक बार ट्रैफिक पुलिस को बता देना, चिंता मत करो तुम्हारा सामान तुम्हें मिल जाएगा। ये लो। हेलो। मुझे अभी तक पहचानते हो? अरे मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, अभी कहाँ हुआ? हाँ मैं अभी कस्बा पुलिस स्टेशन में हूँ। पनिशमेंट ट्रांसफर किया है मुझे। लेकिन अचानक मेरी याद कैसे आ गई? सिनेमा या कोई और बात है? नहीं सिनेमा की नहीं, ये कुछ और ही बात है। दरअसल मैं एक ऑटो में अपना बैग भूल गया था। बैग? कब? आज सुबह महारानी होटल के सामने। मैं वहाँ पर हमारे कैमरामैन हरी नायर से मिलने गया था ना। वो गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? नहीं नंबर तो मैंने नहीं देखा। टेंशन मत लो, कोई कुड़ी में ऑटो में भूली हुई चीज कभी भी खोती नहीं है। वैसे मैं काम करता हूँ, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर देता हूँ। बैग में कुछ कैश वगैरह तो नहीं था ना? नहीं नहीं कैश तो नहीं था, लेकिन उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। तो क्या मैं किसी स्टेशन पे जाके कंप्लेंट लिखवाऊं क्या? अरे नहीं 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 उसकी जरूरत नहीं है, वहाँ मत जाना तुम। अरे अगर तुमने कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी ना तो तुम्हारा मैटर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके सारे काम अटक के रह जाएंगे। हाँ। तुम टेंशन मत लो, उसे ढूंढ निकालेंगे हम लोग। लेकिन उसमें जो बहुत जरूरी पेपर्स थे उनकी मुझे अभी जरूरत है। अरे वो मैं देख लूंगा ना सर। आप फिक्र क्यों करते हैं? अच्छा हाँ एक बार मिलते हैं ना हम लोग। आज शाम को क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? अरे मैंने आपको बताया ना कि मुझे थोड़ा सा काम है। हाँ रशीद भाई। देख तुझे पता है अभी टाइम क्या हो गया है, इस समय कहाँ है तू? मैं यहीं पे ऑटो चला रहा हूँ भाई। देख शशि और सोमन आज दुबई से आ रहे हैं, तुम सामान लेकर कब आओगे? हाँ शाम तक आ जाऊंगा। लेट मत करना। अरे भाई वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, मंथ एंड है ना। 6 बज चुके हैं। तेरे पास पैसे तो है ना? अरे भाई पैसे की कोई बात नहीं है। तेरे पास पैसे कितने हैं? अरे भाई हैं पैसे। नहीं है तो मैं भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए भाई, मैं लेकर वहाँ आ जाऊंगा। तुझे जो करना है कर, आएगा तो पैसे दे दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है।
अरे अपना पैर उस तरफ ले रहे, ये बैठने का तरीका है क्या? हाँ हरीश। हाँ। अभी तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अभी के लिए 2000 काफी है। ये बता, शादी से पहले तक काम खत्म तो हो जाएगा? चिंता मत कीजिए, अभी मैं चलता हूँ, मजदूर इंतजार कर रहे होंगे। चाय बन रही है? अरे नहीं भैया, चलता हूँ। चल चल जल्दी निकाल। विन्नी, गाड़ी उधर लगा देना, कल सुबह साफ सफाई कर लेना, और हाँ हवा चेक करवा लेना, ठीक है? ठीक है भाई। गोवर्धन भैया, हाँ। मेरे घर पे दे देना ना, बच्चे इंतजार हाँ। कर रहे होंगे, हाँ। कहना मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ। हाँ। आखिर तू भी आ ही गया। तू बुलाएगा तो मैं और क्या कर सकता हूँ। ये क्या, सब कुछ खत्म हो गया? अरे ये तो कल की बची हुई बोतल है, इतना परेशान मत हो। मुझे लगा ना कि तुम लोग अब तक चालू हो गए होगे, एक बार घर घुस गया ना तो फिर बाहर नहीं आ सकता। एक हफ्ता से घर से बाहर हूँ। तुझसे बहुत प्यार है ना इसलिए। अरे काहे का प्यार, सब बकवास है। वैसे तुम्हारा दोस्त सूरा कहाँ है? तू और तेरा दोस्त। अरे उसे मैंने 7 बजे आने के लिए कहा था, कहीं लाइन में खड़ा होगा, बहुत भीड़ होगी। भाई मुझे भी एक दे दो। अरे दो ना भाई, एक हाथ देना भाई। अरे भाई, अरे भाई, 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 भाई हम लाइन में लगे हैं, दिख नहीं रहा है क्या? मेरे लिए भाई, 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 चल भाग जा, क्या है तरीका? अरे पैसे दिए मैंने, देना भाई देना। कब से लाइन में लगे यार? सर एक मिनट, आपके लिए एक एनवलप आया है। हाँ। एक लड़के ने लाकर दिया है। सर आपके कुछ पैसे बकाया है तो आप दे देंगे तो अच्छा होगा। चिंता मत करो, मैं अगले हफ्ते दे दूंगा।
हेलो, हाँ ड्यूटी पे हो क्या? हाँ अगर ऐसा है तो फिर ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ओके ओके ओके। हेलो, तुम रूम में हो क्या? यहाँ मैं नीचे कार में बैठा हूँ, क्या तुम बाहर आ सकते हो? अगर बिजी नहीं हो तो मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगा। मैं आता हूँ। मैं बस ड्रेस चेंज करके आता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। हाँ तू जो भी लाया था सब खत्म हो गया है। बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हें याद नहीं है क्या? हाँ याद है, मैंने पिया था ना, वो एकदम पानी की तरह था। हाँ। रशीद भाई, एकदम वैसी चीज यहाँ पे भी मिलती है? मुझसे एक बार बोल देते, मैं लेके आ जाता। अरे कितना लेट करते हो? वहाँ की लाइन के बारे में पता नहीं है क्या सोमा भैया? अगर सच कहूँ ना तो उससे अच्छी तो राशन की दुकान की लाइन होती है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों रे, ये बैग कहाँ से लाया? लगता है चोरी किया इसने। आज अपनी ऑटो में एक सिनेमा वाला बैठा था, वो अपना मोबाइल भूल गया था। अब वो मोबाइल तो उसको मिल गया, लेकिन उसके बाद वो अपना बैग मेरे ऑटो में भूल गया। ये कलाकार लोग भी बिल्कुल बुद्धू होते हैं, सामान ही भूल जाते हैं। लेकिन मैं वैसा बुद्धू नहीं हूँ। पर ये बता, तू कलाकार कब से बन गया? वो सब छोड़, इस बैग में क्या है ये बता, हो सकता है कि पैसे हो। गोवर्धन भाई, बाहर जाकर ओपन करना, बम भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आजकल हर जगह बम होता है। सुनो, अभी अभी बैंगलोर में एक जगह। तुम अभी बेंगलुरु में हो क्या? अरे मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं इस बैग में पैसे ना हो। अरे पैसे हुए तो क्या हुआ, उसे वापस कर देंगे। ये कोयिकोड का है, पता है पिछली बार भी इसने लौटा दिए थे। हमें दूसरों के पैसों की क्या जरूरत है, उससे हमारा कुछ अच्छा नहीं होगा। इसमें तो सिर्फ सचिव भैया, चलो उसको साइड में रख दो, कल मैं उसको ये वापस कर दूंगा। इसमें तो सिर्फ पेपर्स ही हैं। देख रहे हो ना, ये मेरा स्पेशल सेटअप है। अरे बाहर में नहीं जा सकता ना, और मेरे बच्चे मुझे घर में पीने नहीं देते। ये लो पकड़ो, एक ही लेना। नहीं, मैं वो देखो, एक ही पैक पीना, मेरी कंपनी के लिए। चीयर्स। चीयर्स। नो 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 नो, जब चीयर्स बोलते हैं तो एक दूसरे की आंखों में देखना चाहिए, मतलब कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं। चीयर्स। और सब कुछ कैसा चल रहा है, प्रेमलाल से मिले तुम? ऐसा लगता है कि वो अभी तक वापस नहीं आया। वो अभी अभी सुपरस्टार बना है, वो मेरी फिल्म निशा गांधी की वजह से फिल्मों में आया है। अभी मैं तंग हाली में हूँ तो वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ये इंडस्ट्री ऐसी होती है सर। उसने मेरा सब्जेक्ट सुन के काम करने के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसके डेट्स लेना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सर। देखो, जब तुम उसको बुलाते हो तो डेट्स की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये उसे भी पता है। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब नसीर सर जैसे स्टार हुआ करते थे। मैंने तब बहुत ही अभागा प्रोडक्शन खत्म किया था। उस समय नसीर सर ने मुझे कॉल किया था, प्रभु मुझे पता चला कि तुम एक फिल्म बनाने जा रहे हो, तुम चिंता मत करो, अगर अच्छा सब्जेक्ट रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, वो नसीर सर थे, वो दिन बहुत ही अच्छे थे। एक मिनट। हाँ हेलो, नहीं नहीं मैं भूला नहीं हूँ। उसी समय क्या है कि प्रभु आ गए। प्रभु पुराने प्रोड्यूसर हैं, वो इस वक्त खराब स्थिति में हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कंपनी के लिए बस।
रशीद भाई, तुम्हारे यहाँ पे मेहमान आए हैं। कौन है? कोई औरत है बच्चों के साथ। नायला, जरा अपने पापा को फोन तो कर। मामी, लगता है उनका फोन घर पर ही है। मैं जब भी ऐसे प्रोग्राम में आता हूँ फोन छोड़कर आता हूँ। वो क्यों? कहीं मुझे सच ना बताना पड़ जाए। मैं एकदम निश्चिंत रहता हूँ। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। सच कहूँ, मेरे दिमाग में ऐसा प्लान कभी नहीं आया। वो हर मिनट मुझे कॉल करती है, कहाँ हो करके, जैसे मैं कहीं भाग के जाने वाला हूँ। जब मेरा ऐसा कहीं प्राइवेट प्रोग्राम होता है ना, तो प्रोग्राम बहुत बनाता है। हाँ भाई, मुझे कल रात को ट्रेन से एर्नाकुलम जाना है ना, क्या मैं उससे पहले तुमसे मिल सकता हूँ क्या? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है एक्चुअली। ओके ओके, हाँ ओके, ठीक है, ओके। क्या यार, तुम तो रोमांटिक मूड में आ गए हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है। दोस्त, आजकल तो सबको ही दोस्त बुलाया जाता है ना मनोहर सर? सिनेमा का इंसान बने रहने से क्या फायदा? ये हमारी जिंदगी डिम लाइट की तरह है। अगर तुम मर जाओगे तो ठीक है, लेकिन मेरी तरह बीमार होगे तो, इसीलिए कह रहा था कोई मदद चाहिए तो। यार रशीद, तुम्हारे घर पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और तुमने कुछ बताया नहीं। अरे हमें निमंत्रण की क्या जरूरत है? रशीद के घर पे जो शादी है उसे तुम समझो कि वो अपने घर के तरह ही तो है। अरे यार, अभी शादी नहीं हो रही है, सिर्फ एंगेजमेंट है। लड़का मस्कट में है, वो जून में आएगा, तब शादी की तारीख तय करेंगे हम लोग। लेकिन उसकी उम्र अभी शादी की थोड़ी ही है, वो तो अभी पढ़ाई कर रही है ना। छोड़ो, बहुत पढ़ लिया उसने। तुम्हें पता है मेरी बीवी की उम्र कितनी थी जब मैंने उससे शादी की थी? 14 की थी वो। सच में? सिर्फ 14 की थी, और मेरी बेटी 17 साल की है। देखो, सही वक्त पर सही काम कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत टेंशन हो जाती है। हाँ, ये लो। आज तो मजा आ गया। हमारे समाज में कम से कम लड़की 18 साल की होनी चाहिए, ऐसा कानून बना है। अरे कानून का क्या होता है, जहाँ तक मेरे घर का सवाल है मैं ही वहाँ के सारे फैसले लेता हूँ। छोड़ो कानून, मैं सिर्फ एक ही बार फैसला लेता हूँ, दोबारा नहीं सोचता। चाहिए शटर लगा के ताला मार देना। हमारा केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, नहीं तो मैं इसे अच्छे से दिखा देता। रशीद भाई, मैंने तुमको उसी समय बोला था कि उसको दुकान मत देना, अभी मुसीबत में पड़ गए ना, इस बारे में बात करने का मतलब क्या है? मुझे पता है उसको बाहर कैसे फेंकना है। रशीद, केस को जो करना है वो करने दो, तुम सिर्फ हाँ बोलो, बाकी मैं देख लूंगा। बीच में घुस के ऐसा नट बोल्ट टाइट करूंगा कि सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद वो बिना सेंटर बोल्ट की गाड़ी होगी, याद रखना मेरी बात। ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है भाई, चीजों को सही दिमाग से हैंडल करना होगा। बीच में रवि भैया आया तो वो सॉल्व कर देगा। इनफैक्ट मैंने उससे बात भी कर ली है रशीद, लेकिन तुम जाकर केस फाइल कराए। सुनो रशीद, अगर तुम अपनी दुकान इसी वक्त बेच दोगे ना, तो हम तुम्हें डबल पैसे दिलवाएंगे, समझे? अरे मुझे दुकान अभी नहीं बेचनी, जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा तो मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही, अच्छी बात यह है कि तुम्हारे घर के सामने, इसलिए संभालना आसान है। ये भी एक पॉइंट है। ऐसा कोई प्लान है तो मैं एक आइडिया देता हूँ, ब्यूटी पार्लर खोल दो, बहुत बेस्ट बिजनेस रहेगा। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आजकल की औरतें मेकअप में बहुत पैसा खर्च करती है। वो यही पे, तुम मेरे साथ आना, तुमने यूं बॉर्डर क्रॉस किया फुल नेचर, मेरा मतलब नेचुरल ब्यूटी। अरे मेरी बात सुनो सोमा भैया, आज मेरे ऑटो में ऐसी एक औरत बैठी थी, फिल्म में उसको काम करना था, वासु के साथ बैठी थी वो। वासु? कौन वासु? अरे वो दल्ला वासु। फिर मुझे पता है वो कौन थी। नहीं नहीं, वो उस टाइप की नहीं थी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उतना दे नहीं सकता था ना, 3000 रुपया चूड़ीदार के साथ, ये आज का नया रेट है। चल जा रे, 3000 रुपए उसके लिए। अगर आपको कोई डाउट है ना तो अभी उसको कॉल करता हूँ।
ये कॉलेज की लड़की का रेट है, अगर फिल्म या सीरियल में काम करने वाली हो तो उससे भी ज्यादा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था हमारी जमीन का रेट बहुत ही ज्यादा है। अब जमीन में और उस चीज में जमीन आसमान का फर्क है ना भाई। चल जा यार सूरा, तू मेरे साथ कभी नागपुर चलना, वहाँ तुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिलेंगी। सच में? और क्या, उससे पहले जब मैं हाईवे से इधर की तरफ आ रहा था ना, एक चिड़िया मिली थी। अच्छा फिर क्या, मैंने अपना नॉर्मल वाला छेड़छाड़ शुरू कर दिया, फिर उसे नीचे लेके चले गए, प्यार से उसे 50 रुपए भी दिए, कसम से। हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। बेवकूफ? और मैं देख, ये देख 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 बेटा, ये है कुमुदाम और ये शांता माँ है। सच में? वो मलयाली है। क्या भाई? हाँ। जब तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वहाँ बहुत सारे हैं। अरे तुम तो स्मार्ट भी हो। बैग के बारे में चिंता मत करो, तुमने बैग ऑटो में छोड़ा था ना, मिल जाएगा। क्या तुम्हें वो गाना याद है मेरी फिल्म का जो कभी बना ही नहीं? हा? अच्छा गाना है ना? हाँ हाँ वो अच्छा गाना है। इस रात में बहुत दुख भरी कविता लिख रहा हूँ और उसके... तुम्हें वही याद है? हाँ तो क्या। देखो मुझे गलत मत समझना, ये पैसों के मोह के लिए नहीं, तुम ये गाना अपनी आने वाली फिल्म में डाल सकते हो क्या मनोहर? अच्छा गाना है, लोगों को एंजॉय करने दो। अब वो तो मैं क्या बताऊँ। क्या यार मनोहर, तुम उस गाने को सुनो। अरे यार फोन ही उठा रही है। अरे नखरे होते हैं इनके। तुम एक और ले आए क्या? आपके कहने से मुझे कोई भी दुख नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये ला पाएगा। ए सूरा तू जॉय के पास चला जा, उसे एक और ले आ। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही रेट लगाता है रशीद भाई। तू उसकी चिंता मत कर, हम लोग मिलके दे देंगे ना, क्यों भाई? देखो अभी तो मुझे बहुत देर हो गई है, सुबह उठकर जल्दी काम पर भी जाना है। क्या शशि भैया, पैसे देने पड़ेंगे इस वजह से जाने की जरूरत नहीं है, आपके हिस्से के मैं दे देता हूँ। किसी को हिस्सा देने की जरूरत नहीं है, अगले 2 दिन हम लोग नहीं पिएंगे, तो फिर आज के लिए मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तुम लोग जारी रखो, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ए रवि चल मेरे साथ, बाहर तक छोड़ कर आ। अरे आपको जाना है तो जाओ ना, रवि को क्यों ले जा रहे हो? रशीद भाई ये खुद रुकेगा नहीं, साथ में दूसरों को भी लेके जाएगा। रशीद भाई गुड नाइट। ठीक है हमें बीच में छोड़ के जा रहे हो ना। रशीद भाई हम लोग भी यहाँ अब क्या करेंगे बैठ के, चलो चलते हैं। सूरा चलो यार। हाँ। ए, रुक सिगरेट चाहिए। ए सूरा कहीं से भी एक खंभे का जुगाड़ करना यार, तू चाहे तो कर सकता है। अभी बहुत लेट हो गया है, कहीं नहीं मिलेगा। पता नहीं लोग दुकान 12 बजे तक क्यों नहीं खुली रखते हैं। एक काम कर हमें बाहर तक। अरे वहाँ बहुत महंगा होगा। नहीं भैया चलना आज मेरी तरफ से। अच्छा ऐसा है तो चलो। देख उसका कॉल आया है। अरे क्या है, रास्ते में ही तो हूँ, आ रहा हूँ। हाँ क्या है? अरे रास्ते में हूँ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। हाँ बच्चे सो गए क्या? चलो आ रहा हूँ फोन रखो। हाँ क्यों रे अभी तक दुकान बंद नहीं किया? हाँ कर रहा हूँ। यार रशीद तुम जाओ यार, बीवी का फोन था, अगर नहीं गया ना पूरी रात झगड़ा करेगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये फोन जो देख रहे हो ना बिल्कुल जी का जंजाल है। चलो अब मैं चलता हूँ। भाई क्यों ना हम प्लान को कैंसिल कर दें? जब एक बार निकल गए तो चलते हैं ना। हाँ ये ले।
बाप रे क्या भीड़ थी, इन लोगों के पास दूसरा कोई काम ही नहीं बचा है करने के लिए। रशीद भाई चलो बैठ जाओ। रशीद भाई बैठ जाओ, चलना है ना। ए सूरा, तू इसी के बारे में बात कर रहा था क्या? किसके? अरे वही जिसे तुमने सुबह देखा था, बता रहा था ना 3000 और चूड़ीदार वाली, यही है क्या वो? हे ये वो नहीं है, चलो आ जाओ चलते हैं। क्या हुआ? एक बार जाकर तू ट्राई करना। अरे ये वो नहीं है जिसके बारे में मैंने बात की थी। ये तो कोई अच्छी फैमिली की लड़की है। तो क्या हुआ, हम भी तो अच्छी फैमिली वाले हैं, जाकर ट्राई करना एक बार। आप सीरियस हो गए क्या? हाँ वैसे ही थोड़े ना बोल रहा हूं, जाना। किधर? आओगी क्या? कितने लोग हैं? सिर्फ एक ही है। और तू? नहीं नहीं मेरे लिए नहीं। क्यों, तू मुझे नहीं संभाल सकता क्या? ऐसा नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए चाहिए। उधर जाने के बाद तू अगर कहेगा कि और है तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं नहीं बस एक ही तो है। और पैसे वैसे का क्या सीन है, कितना देगा मुझे? इस समय 500 चल जाएगा, थोड़ी देर में 1000 का रेट हो जाएगा। वहां जाके तुम थोड़ा कम कर सको तो। मैं अभी ऑटो लेके आता हूँ। चलेगी क्या? जाबे सुनो, तुम गल्फ से हो ना, बहुत अच्छी खुशबू है। कितनी गर्मी है यहाँ पे, जब मैं ऊटी में थी ना वहां पर बहुत ठंडी थी। ए पागल, ठीक से चलानी नहीं आती क्या? कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी? सर रूम है क्या? रूम तो खाली नहीं है। ठीक से जरा देख के बताओ ना। सारे रूम फुल है, फैमिली रूम अवेलेबल नहीं है। एक रूम नहीं है और इसको होटल बोलते हैं, कमाल हो गया। रूम नहीं है भाई। कृष्णगिरी होटल में चलो, मैं एक घंटे के लिए 200 लेता है। ये क्या है यार ये? अरे भाई आप टेंशन मत लो, हम रास्ता ढूंढ लेंगे।
बहुत रात हो गई, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। तुम मेरी बुलबुल बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आदमी है, मैं अभी के अभी जा रही हूँ यहाँ से। अरे मैं नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ ना। अगर तू जाएगा तो मैं कैसे जाऊंगी? अरे उतनी देर में वापस आ जाऊंगा। तो फिर तू एक काम कर, आते समय ना तू दरबार होटल से मेरे लिए 4 पराठा लेकर आना। तुझे चाहिए क्या? नहीं चाहिए। 2 चिकन चिली भी लेकर आना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। इस रूम के बारे में बात कर रहे थे, क्या सेटअप है यार। इसे वापस भेज दे। अरे चिंता मत करो भाई। ए, ये सब नहीं चलेगा, इसे वापस भेज दे यार। अरे भाई ये तुम क्या कह रहे हो, उसके पास दूसरी बुकिंग थी, मैं उसको यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि तुमने बोला था। अभी उसको ना कह दिया तो वो हंगामा खड़ा कर देगी। उसको 12 बजे तक आप कैसे भी संभाल लो, मैं तब तक खाना लेके आ जाऊंगा। ये पकड़ो। ए, सुधा। अगर रूम थोड़ा बड़ा होता तो मैं ये कपड़े सुखाने के लिए डाल पाती। सूख गया ये जहां। अरे मनी भैया हो क्या? मनी भाई, वादा करने के बाद भी तुम नहीं आए। अरे मैं नहीं आया तो क्या हुआ, बाकी लोग तो आए थे ना, और अपना ससी भी तो आया था वहां। जब हिस्से की बात की तभी उठकर चला गया। ये सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे ही होते हैं। अरे वो हमेशा ऐसे ही बात करता है। लो पियोगे एक पैक। ए सुन, तू मुझे यहाँ लेकर क्या कर रहा है? आसपास के लोग सोए हैं या नहीं ये देख रहा है? यही प्रॉब्लम होती है ऐसी जगहों पर, हमेशा डर लगा रहता है कि कब कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। एक मिनट। हेलो। क्या है? ओ लेकिन मैं तो अभी मैसूर में हूँ, ताज होटल में। तू कैसा है? चुप कर, यहाँ पर और दरवाजा खोल। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बॉस आता है तो दरवाजा खोलते है। तेरे हिम्मत दरवाजा नहीं खोल रही है तो देखो मोबाइल पे चफर 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 करती रहती है। दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं खोले तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, समझी? दरवाजा नहीं खोलेगी तो इसको बताता हूँ, बहुत चर्बी चढ़ गई है इसको, सारी चर्बी उतारूंगा। मैं तेरे ही कॉल का इंतजार कर रही थी, तो फोन क्यों नहीं उठाता जब मैं फोन करती हूँ? क्या तुझे मुझे कुछ देना है? नहीं ना, तो तूने वैशाली को क्या बोला? देख तुम्हारे साथ ऐसी बात मत किया कर। हाँ मुझे भी इस फील्ड का बहुत तजुर्बा है, मैं कोई इस काम में अभी नई नई नहीं आई है, समझा ना? तेरे जैसे को तो मैं हर दिन ऐसे ही उठा। बंद कर अपना। मेरा कस्टमर है, बात नहीं करूंगी क्या? अच्छा तो तुम्हारे पास शराब भी है, तुम भी पियोगे क्या? एक ले लो, थोड़ी ताकत मिल जाएगी। तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? लो थोड़ा सा पी लो, इसके बिना मजा नहीं आता। कितना अजीब सा सेटअप है ये। अभी मैं तुमको एक बात बताती हूँ, बिजनेस बिजनेस होता है, ऐसा नहीं है कि मैं तेरे पे भरोसा नहीं करती, पर उस आदमी ने तेरे को पैसा के बारे में बताया ना। पहली नजर में तुम्हें को पसंद आ गया था, तेरा देखने का स्टाइल, नजरिया मेरे को बहुत अच्छा लगा सच्ची में। तो सच में बहुत स्मार्ट दिखता है। हाँ मैं इसमें से कुछ वापस नहीं देगी। हाँ तो वापस ऊपर चढ़ के क्या देख रहे हो? देखो मुझे 12:30 बजे वापस जाना है। हाँ
तुम जरा चुप रहोगी? मनी भैया मैं जा रहा हूँ। मुझे भी तो जाना है। अरे भैया तुमको तो ये सब पैक करने का है ना, मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम? ठीक है तू ही चला जा। मैंने तेरे से पहले ही कहा था एक बैग ले ले जोश आ जाएगा। क्या मुझे बैठा कर टाइम पास कर रहा है? एक तो कैसी अजीब सी जगह पे लाया है मेरे को, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है। बटोया कौन दिशा में लेके चल रे बटोया, अरे थर थर सत्य मुरारे। हाँ? 10 पराठा और 4 अंडा फ्राई पार्सल कर देना। हाँ? वहाँ बैठ जाओ। देखन दे कौन दिशा में लेके चल रे बटोया, कौन दिशा में लेके चल रे बटोया, मन भर माए नना बांध रे डगरिया, मन भर माए नना बांध रे डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, कहीं गए जो। अरे सर आप अपनी बैग भूल गए मेरे ऑटो में। हाँ? अरे मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अभी मेरा बैग कहाँ है? जब मैं ऑटो लेकर वापस गया तब देखा, मेरे पास आपका एड्रेस नहीं था। हाँ तो उसे अभी लेकर आओ ना वापस। अभी तो मेरे पास नहीं है, मैंने दूसरी जगह पे रखा है। अगर ऐसा है तो चलो अभी चलकर लेके आते हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए सर, वो कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा था ना तुम्हारा बैग आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तो सुनो मनोहर सर, उसके मिलने की खुशी में एक और हो जाए, एक ही ये लो पी लो। लो तुम भी पी लो। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो रास्ते में चेकिंग चल रही है ना। अरे सिर्फ खुशी के लिए ही पी लो, कल को तुम ये भी कह सकते हो कि बहुत बड़े कलाकार के साथ दारू पी थी। ये लो पी लो। हे क्या हुआ? कुछ था जो पास से भागा। क्या भागा? ओ सांप हो सकता है, नहीं तो चूहा होगा, ये जगह में और क्या हो सकता है। ओए वहां कहां? वहां पर लगता है, वहां पर है। यहां पर ना सांप है और ना ही चूहा है, क्या बेवजह टेंशन ले रहा है तू, तू और तेरा चूहा। कैसा इंसान है रे तू, आदमी हो के एक चूहे से डरता है? तुझे देखकर तो तू बहुत स्ट्रांग लगता है। ये चूहे और सांप का नाटक तो नहीं कर रहा है, ऐसा ही है ना? जब वो लड़का खाना लेकर आएगा तब मुझे जगा देना, तब तक थोड़ा सो जाती हूँ मैं। तू चाहे तो यहाँ आकर सो सकता है, बाद में मत कहना कि नुकसान हो गया।
ओके प्रभु सर, कल मिलते हैं। हाँ, ओके ओके। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? आपको वहां नहीं ले जा सकते जहाँ पर बैग रखी है। हा? आप ऑटो में बैठे रहना, मैं आपका बैग ला कर दे दूँगा। ठीक है। अरे आखिर तू करना क्या चाहता है? डेढ़ बज गए, वो खाना लेकर क्यों नहीं आया? बोला था 12 बजे तक आ जाऊंगा। कहीं उसका एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो नहीं हो गया? देख मुझे जाना भी है, मैं चली जाऊंगी। तेरे साथ ये कहां आकर फंस गई पता नहीं। अरे कुछ बोलना, तुम्हें जाना है तो जाओ। शटर बंद है, कैसे जाऊं? सब तेरी वजह से हुआ है, पता नहीं कहां लाकर फंसा दिया मुझे। तुम थोड़ी देर के लिए चुप बैठोगी? मैं चुप बैठूंगी तो तू खुलवा देगा क्या? किसी को बुलवाओ, जल्दी से खुलवा इसे। वो आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस पार्टी के पेमेंट नहीं मिलेगा ना। तुझे क्या लगता है ये छोटा मोटा अमाउंट है क्या? मैं दे दूंगा वो। तू देगा तो फिर ठीक है, एक बार पार्टी को बता देती हूँ। हाँ हम लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बहुत अच्छा कस्टमर है मेरा वो, और अच्छा पैसा भी देता है। हेलो, धीरे नहीं बात कर सकती। हेलो, ये ठीक है? हेलो, मुझे नहीं लगता कि आज मेरी ड्यूटी खत्म होगी। ओवर टाइम है मेरा, मैं तुझे कल कॉल करती हूँ। कल करती हूँ, चल रख। उस लड़के ने बोला रेट 300 तक गिरा दो, लेकिन मैं पूरा ले लेती हूँ। तू अच्छा आदमी लगता है मुझे। तू अपनी ड्यूटी छोड़कर इस तरह टाइम पास क्यों कर रहा है? कल मुझ पर आरोप मत लगाना इसके लिए, समझ रहा है ना? अरे ओ चमक चलो, अरे मेरी जाने जिगर, ओ तुझको देखते ही मुझ में मस्ती आ जाती है। ओ जाने जिगर, तुझको देखते ही मुझ में मस्ती आ जाती है। ओ तू कितनी खूबसूरत, ओ तू कितनी ब्यूटीफुल, ओ तू कितनी सोनी सोनी, ओ तू कितनी मस्त मस्त। आगे पुलिस की नाकाबंदी है। ए रुक रुक रुक, पुलिस ने सीटी मारी तो गाड़ी क्यों नहीं रोकी? तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? सॉरी सर, वो मैंने देखा नहीं। चल फूक इसमें, अब जरूर ठीक से दिखाई देगा तुझे। सर मैं खाना खरीदने के लिए आया था, मेरा कोई वहाँ पे इंतजार कर रहा है सर, मुझे जाना होगा। बकवास बंद कर और फूक इसमें, चल। सर मैंने सुना नहीं। फूक बे, चल फूक। सर 65% इसका पॉजिटिव आया है। हाँ उतारो उतारो जल्दी। हाँ चल उतार उतार, गाड़ी के पेपर्स और बुक लेकर आ। सर मुझे अर्जेंटली कहीं पर पहुंचना है। ओए पुलिस वालों को अच्छी सैलरी मिलती है, इसे अपने पास रख ले और चल चल, देख क्या रहा है तू। सर आप दूसरा ऑटो पकड़ लीजिए, ये ऑटो यहाँ से नहीं जाएगा। इसे छोड़ो या ना छोड़ो, मैं इसी ऑटो में रहूंगा। उसने पी हुई है, पीकर गाड़ी नहीं चलाते, आपको पता है ना। ऐसा है तो मैंने भी पी हुई है, पर मैं इसी ऑटो से जाऊंगा। तो आपको इसी ऑटो में जाना है? हाँ। सर ये बोल रहे हैं कि इन्हें इसी ऑटो में जाना है। उससे कह दो किसी और ऑटो से चला जाए। सर वो क्या है कि इसे पीने के लिए मैंने ही कहा था, तो इसे पिलाने के लिए आप मुझ पर भी चार्ज लगा सकते हो ना। नहीं ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम पैसेंजर के ऊपर चार्ज लगा दें। ऐसा क्यों है? मैंने तो सुना है कि आप लोग बेगुनाह लोगों को मर्डर के केस के इल्जाम लगाकर भी अंदर कर सकते हो। देखो होशियारी मत दिखाओ, इसे छुड़ाना है तो कस्बा पुलिस स्टेशन में आ जाना। कस्बा? सर आप दूसरा ऑटो पकड़ के चले जाइए। अरे ऐसे कैसे जाऊंगा मैं, मैंने फैसला नहीं लिया अभी तक। वैसे बड़ा कानून दिखा रहे हो तुम, वकील हो क्या? मेरे पिताजी वकील थे। सर वकील नहीं है सर, फिल्म बनाते हैं। दोनों एक ही हैं। एक काम करो, तुम भी जीप में बैठो। सेबेस्टियन सर दोनों को जीप में डालो। चलो अब। तू टेंशन मत ले, कस्बा पुलिस का सब इंस्पेक्टर मेरा आदमी है, मैं सब देख लूंगा वहां पे, टेंशन मत ले। चलो बैठो। अरे सबको जाना है, अकेले तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए जगह बनाओ। चलो
तुम दोनों वहां पे जाके बैठो। ये क्या बेवकूफी है, है? कमिश्नर का फोन नंबर नहीं है, कैसे बोले सही है, कैसे बोले से बोलो। सॉरी 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 सॉरी। इंस्पेक्टर तुमको पता कि पाला सिंगल वर्गीस कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूँ। एक फोन करूंगा, कमिश्नर भागते हुए आएगा और फिर तेरे टोपी आंख दिखा रहे। आराम से, तू कमिश्नर को छोड़, आईजी को फोन करो। करो फोन आईजी को। मैं वहां साइड में बैठता हूँ, ठीक है? बैठता हूँ, बैठता हूँ। अब ऐसा ही सुभाष चंद्रन, वहां जाकर पूछो। मैं सर ऐसा ही सुभाष चंद्रन का फ्रेंड हूँ। अच्छा, आज क्या फ्रेंड्स डे है? आईजी का फ्रेंड, कमिश्नर का फ्रेंड और आप आ गए एसआई का फ्रेंड, वो लोग भी यही कह रहे थे। दरअसल फोन लग नहीं रहा, तो आप उनके घर का नंबर दे दीजिए ना। सॉरी, हम घर का नंबर नहीं दे सकते, और वैसे भी ड्यूटी के बाद एसआई अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। ऐसा क्यों है? पुलिस को तो 24 घंटे ड्यूटी पर रहना चाहिए ना। अच्छा, ड्यूटी पर रहना चाहिए, मतलब पुलिस को भूख और नींद तो लगती नहीं है। अभी सर के सोने का टाइम है, मिलना है तो सुबह आना, अभी तुम जा सकते हो। सर आप मुझे इससे बाहर निकाल सकते हो ना? कोई चांस नहीं है, अब तो सुबह तक इंतजार करना ही पड़ेगा हमें। सर मुझे ये खाना किसी को देना है। एक दिन अगर कोई नहीं खाएगा तो वो मर नहीं जाएगा। सोमालिया में लोग एक एक महीने तक बिना खाए जिंदा रहते हैं, उनका क्या? ऐसा मत बोलो सर, मुझे जाना है, जरूरी है। तो यहाँ पे बैठ जा, मैं ट्राई कर रहा हूँ ना। कितना हुआ? 65 रुपए। अच्छा, ये लो। ठीक है, ओके। अरे भाई, तुमने थाने को सब्जी मंडी बना दिया। मैं वो कॉलेज रोड से गुजर रहा था तो मुझे वहां पर कोई मिला, वो कह रहा था कि मैं पेड़ लगा रहा हूँ, वो भी आधी रात को। अरे लेकिन वो है कहाँ? यही है। ए अंदर आजा। यही वो आदमी है। हाँ? अरे ये तो शोभिद्रन मास्टर है। आप आधी रात को क्या कर रहे थे? हे, इनको कुर्सी दे। बारिश का मौसम है और तुम्हें तो पता है कि आजकल पौधे लगाने के लिए समय ही नहीं मिलता है, इसीलिए मैं इसे बुलाकर एक पौधा लगवा रहा था। कल ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा। अच्छा। सबको फल मिलेंगे तो हर कोई इसे ही दुहाई देगा। नमस्कार नमस्कार। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गड्ढा तो खोदते हैं लेकिन पौधा लगाने के लिए नहीं बल्कि गिराने के लिए। तुम्हारी शूटिंग कैसी चल रही है? मुझे शूट करना ही पड़ेगा अगर ऐसी चीजें होती रही तो। मास्टर, तुमने बीए इकोनॉमिक्स में किया है ना? सेबास्टियन? सेबास्टियन, हाँ सर, सेबास्टियन। एक ही पेपर बचा है सर, इसी मार्च में वो भी क्लियर कर लूंगा मैं, पक्का क्लियर कर लूंगा। तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, आजकल बेटा क्या कर रहे हो तुम? मास्टर जी, आजकल मैं थोड़ा रशीद भाई, हेलो। अरे मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है क्योंकि मैं पी के निकला था। अभी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं आज निकल पाऊंगा। शटर की चाबी मेरे पास है, अभी तुम उसके साथ कैसे निकल पाओगे? रशीद भाई, रशीद भाई, हेलो।
लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है, चैन से सोने भी नहीं देता। वो लड़का सुबह आकर खोल देगा ना। देखता नहीं है कि कैसे साइकिल चला रहा है। मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह के लड़के हो, दिखने में तो तुम ऐसे बिल्कुल नहीं लगते। सर मुझसे एक ही गलती हो गई। एक गलती नहीं, दो गलतियां की है तुमने। सबसे पहली गलती, तुमने उन्हें बाहर से लॉक कर दिया, पता है वो ठीक है, हम उसे कभी भी खोल सकते हैं। दूसरी बात, तुमने ये बात उसके घर पे बता दी, लगता तुमने जानबूझ के किया सब। इसलिए तो कह रहा हूँ मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह के लड़के हो, क्योंकि दिखने में ऐसे नहीं लगते। अरे मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। तुम किस तरह के इंसान हो? वो मैं सर, क्या लगता है ऐसा होगा क्या सर? ऐसा होने की संभावना है। तो अभी मैं क्या करूं? क्या करोगे? यहां से भागने का कोई आइडिया है क्या? आइडिया? और मैं? हाँ। तेरा कोई विश्वासी दोस्त है क्या? तो उसको फटाफट फोन कर दे और बोल कि वो वहां जाकर वो शटर खोल दे, ठीक है? ऐसा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है सर। तेरे पास एक अच्छा दोस्त भी नहीं है? जोसेफ जल्दी कर, लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। ए, मुझसे पूछ के तेरी गाड़ी खराब हुई थी क्या? रुक, पहले औजार तो निकालने दे। दीदी चाय वहां रख दो।
सर। हाँ उन्हें भी दे दे। अरे उसे नहीं, उन्हें। बाईपास रोड पे गुमशुदा लाश, अब ये क्या? ये पत्रकार लोग रात भर घूमते रहते हैं लाश की तलाश में, पुलिस वालों की सिरदर्दी बढ़ाने के लिए। मैं जा रहा हूं। हाँ चिंता मत कर, वो खबर कल रात को छप गई थी, तेरी न्यूज भी टीवी पे आ गई होगी, तुझे देखने को मिलेगी जब तू यहां से बाहर जाएगा ना। हाँ 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 पियो। मुझे बच्चों को स्कूल में छोड़ना है, पेरेंट्स के भी फोन आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं सर? करना क्या है, बच्चों को स्कूल जाना ही है, तेरे किसी दोस्त को फोन करके व्यवस्था करना। हेलो हेलो। हाँ दीदी। हाँ सूरा, कहाँ है तू? हाँ मेरा ऑटो रिपेयर के लिए गया है। तो तू आ नहीं रहा है? चिंता मत करो, सुधी का ऑटो आ जाएगा, बस 10 मिनट वेट करो। हेलो। हेलो सुधी। हाँ। अरे कहाँ है तू? स्टैंड पे खड़ा हूँ। आज कोई काम नहीं है क्या? अरे ऑटो रिपेयर के लिए गया है। तू आज बच्चों को स्कूल में छोड़ सकता है क्या? हाँ ठीक है। अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई है यार। ये ऐसा ही सुभाष चंद्रन कब तक आएंगे? उनके लिए ड्यूटी ड्यूटी है, ठीक 9:30 बजे आएंगे। हाँ अगर वो फिल्म में एक्टिंग करने ना चले गए। किसको देख रहे हो तुम? जब से आए तब से यही कर रहे हो। अभी पानी नहीं बचा है। अच्छा सन्ना, चाय मिलने का कोई चांस है? चुप रहोगी तुम? क्यों चुप रहूं मैं? देख अगर प्यार से रहेगा तो प्यार से रहूंगी, झगड़ा करेगा तो हंगामा खड़ा कर दूंगी, पर मुझे तेरे साथ झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि जब भी तेरे से पैसे मांगती हूँ तो तू दे देता है मुझे। अगर अभी भी पैसे मांगूंगी तो दे देगा, है ना? तो मैंने भी उनको सीधा बोला कि हाँ ले चलो मुझे भी लॉकअप में, क्योंकि मुझे लगा कि तुम वहां मिल जाओगे, लेकिन तुम आते नहीं। और उसके बाद जब मैं वहां गया तो स्टेशन क्लर्क ने बताया कि तुम समय के बहुत पाबंद हो, ड्यूटी खत्म होते ही तुम फोन स्विच ऑफ कर देते हो। हाँ एक बात तुम्हें पता है, 2 महीने पहले हम लोगों की स्पेशल ड्यूटी लगी हुई थी वहां पर LP में। उस वक्त मैंने वायरलेस पे एक जोक बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला पता है? जब तक ये निकम्मा मिनिस्टर नहीं निकल जाता मैं सो नहीं पाऊंगा। एक पत्रकार वहां पर बगल में खड़ा सुन रहा था। और उसके बाद फिर मेरा हो गया सस्पेंशन, पनिशमेंट ट्रांसफर, कोई दुर्दशा नहीं बची। तब जाकर पता चला ड्यूटी इज ड्यूटी, और ड्यूटी के बाद कोई ड्यूटी नहीं। सही एकदम। अरे हाँ तुम्हारे उस बैग का क्या हुआ, वो मिला कि नहीं मिला अभी तक? बैग मिल गया। हाँ मैंने कहा था ना तुमसे, कोड़ीकूट के ऑटो वाले बहुत ईमानदार होते हैं। और हाँ तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है? प्लानिंग चल रही है। जानते हो आजकल फिल्मों में ना एक अजब तरह की स्टाइल शुरू हो गई है। कई नौजवान आ गए हैं अब तो, और सब के सब स्मार्ट हैं। हाँ चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। सर आपको तो पता है इस खाकी वर्दी के अंदर। हाँ मुझे पता कि खाकी वर्दी के अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। मुझे रंजीत सर ने अपनी लास्ट फिल्म में एक छोटा सा चांस दिया था। लेकिन उसमें कोई डायलॉग नहीं था। लेकिन सीबी सर की फिल्म में मुझे एक डायलॉग मिल गया था। देखो मेरी बात मानो, उस शीशे को मत तोड़ना। लेकिन उसमें कोई पंच नहीं था, है ना? जब तक डायलॉग में कोई पंच ना हो कोई मतलब नहीं है, है कि नहीं? हाँ सही कहा, डायलॉग में पंच तो होना जरूरी है। आपकी स्क्रिप्ट का काम हो गया क्या? आप अभी भी लिख रहे हैं? स्क्रिप्ट तो इसके पास है। कौन? तुम्हारे पास है? लेकिन वैसा लगता नहीं है। सर मुझ पर भी थोड़ा ध्यान रखिए ना, एक पंच वाला डायलॉग चाहिए।
मैं बुरा एक्टर नहीं हूँ। सुबह सुबह शुरू हो गए ये लोग, इनके पास कोई और काम नहीं है क्या? देख ना वो कितना खुश है, ना प्यास लगती है ना भूख, अपनी दुनिया में जीता है। हाँ राइटर सर, और पंच और डायलॉग मत भूलिएगा। सर मेरे रोल के बारे में मत भूलिएगा। बिल्कुल ओके, मैं पक्का आपको कॉल करूंगा। अब ये फोन बंद करो। क्या कर रहा है तू ये? देखो अब कोई कॉल मत करना। कॉल करूंगी, मुझे जाना है यहाँ से। क्या तू मुझे मारने का प्लान बना रहा है? देखो कौन हो, क्या चाहिए आपको? अच्छा ये बताइए, परमबीर कड़वो हामिद खान का घर? ऐसे किसी को मैं नहीं जानता। दुबई में रहते हैं वो। हाँ। अच्छा वो क्या, यहाँ से सीधे जाओ। हाँ। ए, आवाज मत कर। आप यहाँ से सीधा जाइए। हाँ। वहाँ से लेफ्ट मारिएगा, फिर सीधा जाइएगा, फिर हाँ। आगे जाके आपको एक टर्न। ए, तुझे समझ में नहीं आता क्या? बात करते समय हॉर्न बजा रहा है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है बेवकूफ कहीं का। चला गया, अच्छा हुआ चला गया। आज मुझसे बहुत डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चल निकल यहाँ से। बेवकूफ, पता नहीं कहां से ये बेवकूफ आ गया है। तू जल्दी से जाके मेरा बैग लेके आ। सर हा? मेरे को टेंशन के कारण बहुत डर लग रहा है। किस बात की टेंशन? दुकान की चाबी है ना तेरे पास, जाके खोल दे और उन्हें बाहर निकाल दे और फिर वहां से मेरा बैग भी ले आ। लेकिन इसमें टेंशन की क्या बात है ये बता। लेकिन सर अभी बाकी की दुकान भी तो खुले होंगे, तो मैं शटर ऊपर करके कैसे उनको बाहर निकल सकता हूँ? तो मेरे बैग का क्या, मुझे बाकी के काम करने के नहीं? उस बैग में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, तू जल्दी जा लेके आ। तो सर आप भी मेरे साथ चलो ना। क्या काम है, मेरी क्या जरूरत है, तू जाकर आ जाना, मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ। सर मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है, कोई आइडिया हो तो बताओ ना। तू एक काम कर, तू अपने ऑटो में मत जा। उस रूट पे जो बस है ना, उस बस से तू जा, और वो जो लोकेशन है उस एरिया को तू ठीक से देख लेना पहले। हाँ। और इसके अलावा ये टावल अपने सर पर बांध ले, हम सब यही तो करते हैं हमारी फिल्मों में। हाँ। क्यों कैसा है? हाँ सही लग रहा है तू अब एकदम, जा। तू चाहता क्या है वैसे, भूख से मरना है क्या? मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ए, 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 क्या कर रही हो तुम? ए, छोड़, पागल हो गई हो क्या? छोड़, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। रुक जा, छोड़। तो, कह रहा हूं
तुम्हें समझ में नहीं आता है? चलो उतरो उतरो, अरे जल्दी करो ना, जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ, गाड़ी चलाओ चलाओ चलाओ। अरे क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हो गया ये? अरे क्या हुआ बेटी? खून है। पता नहीं क्या हुआ बेटी, बहुत खून निकल रहा है। अरे कितना खून? अरे खून, अरे क्या हुआ, ये कैसे हुआ? अंदर तो नहीं आ रहा। दिखाओ ये क्या है? पेंट है, ये खून नहीं है, तो पेंट है। फालतू में डर रहे थे। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, कर रही है। खून नहीं है, पेंट है, पेंट रंग है, रंग रंग कलर। ए! क्या देख रहा है? जाके अपना काम कर। जाओ बेटा जाओ, कुछ नहीं हुआ, होली का कलर है। क्या रे वासु, क्या है ये? मुझे नहीं पता। तूने डब्बा बंद किया था कि नहीं किया था? हाँ मैंने बंद किया था। तो फिर किसका काम है ये? ऊपर कौन है देखते हैं। ऊपर कौन? ऊपर मोहम्मद, मोहम्मद भाई, ए मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई। हाँ? जरा खिड़की से रूम के अंदर झांक कर देखना तो, अंदर क्या चल रहा है? पेंट का डब्बा उल्टा पड़ा हुआ है कि कुछ और बात है? देखो जरा बताओ। मैंने देखा वहां एक पेंट का डिब्बा उल्टा था, कोई बिल्ली हो सकती है ना। ठीक है जाओ अपना काम करो भाई। ओ बासु, तू एक काम कर, कोई चाबी लेकर आ। हाँ? रशीद के आने से पहले यहाँ की सफाई कर देंगे, अगर वो आ गया तो बड़ी मुसीबत हाँ, खड़ी हो जाएगी। जल्दी कर जल्दी कर, तू जा ना। हाँ? क्या देख रहा है मेरा? हाँ, जल्दी कर। खाओ। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं सर। तूने सच में देखा क्या? देखा, मैंने सिर्फ एक ही बार देखा। वहां पर कोई ऐसा था जिसे तू पहचानता है? हाँ। पुलिस? पुलिस?
रशीद भाई के घर से। नहीं नहीं अभी मत उठाना, हम वहाँ बाद में कॉल कर सकते हैं, पहले सोच लेते हैं कि बोलना क्या है। दूसरा लगा कर देखना। देख तो रहा हूँ, नहीं लग रहा है। अरे ये इसी दुकान की चाबी है, कहीं और की चाबी है? ये भी नहीं लग रहा है। दूसरा वाला ट्राई कर, वो बड़ा वाला ट्राई कर। ये चाबी नहीं है। अरे फिर से कोशिश करना। क्या वासु, नहीं खुल रहा है क्या? अगर बोलो तो एक बार इसे ट्राई करके देखता हूँ, बड़े से बड़े ताले को भी खोल सकता हूँ। जो सर तू अपना काम कर, समझा? बीच में टांग मत अड़ा। अच्छा तू और तेरा शटर, मैं तो सिर्फ तेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। बाहर में जा तू। ये चाबी जाकर उनको दे दे, बोलना कि ताला नहीं खुल रहा है, वो खुद आकर खोलेंगे। जल्दी कर जा। सर हा? आपके फ्रेंड प्रभु सर आए थे यहाँ, उनकी कार खराब हो गई है तो यहीं खड़ी कर गए। कोई समस्या मत खड़ी करो। जो कुछ भी हो हमें कॉल करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जो करना है करो। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या तेरा घर? तो फिर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेरी बीवी तो सच में बहुत अच्छी है, तो फिर ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है तुझे? तेरे दो बच्चे भी है ना, और तू बड़ी वाली की शादी के बारे में बात कर रहा था। पढ़ाई कर रही है ना वो, तो पढ़ने देना उसे। बच्चों को पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए। अब तू मुझे ही देख ले, मैं स्कूल की एग्जाम में 2 बार फेल हुई और घर वालों ने शादी करवा दी मेरी। अब मेरी किस्मत ही बन गई है, नहीं तो मैं पढ़ाई वढ़ाई करके डॉक्टर बन जाती। अच्छा तेरे पास कोई और नहीं है जो हम लोग को यहाँ से निकाल सके? नहीं है ना? मुझे पता है नहीं है। मैं वैशाली को फोन करूँ क्या? वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। वैसे मेरे पास और कोई भी है, हमारे बीच में कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसको यहाँ पर बुला लूँ क्या?
नहीं, वो यहाँ आएगा, वो रात होने का इंतजार कर रहा होगा। ये सब बेवजह हो गया, उस समय मैंने पी ली इसलिए ये सब हो गया। अरे तेरे दारू पीने से पहले तेरे दोस्त के साथ एक लड़की मौजूद थी ना, वो भी तो एक इंसान है, मर्द तो रास्ता ढूंढ लेते हैं। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है क्या कि कौन है वो? नहीं पता मुझे, वो मुझे कल बस स्टैंड पर मिली थी, मैं जानकारी निकलता हूँ वासु भैया से पूछकर। ओहो, कहानी में एक और पात्र भी है, अब ये वासु कौन है? वो दलाल वासु। वो जो भी कोई हो उसे फोन करके पूछताछ कर। हाँ क्या हुआ? हाँ वासु भैया, एक अच्छी हट्टी कट्टी मिडिल एज की औरत, दिखने में अच्छी, लंबे बाल हैं, क्या आप उसको जानते हो? वो कौन है हमारी सिटी में जिसे मैं नहीं जानता हूँ? वो ज्यादातर बस स्टैंड पर दिखाई देती है। जो भी हो, लेकिन तुमने उसे मेरी तरफ से बुक तो नहीं किया? तुम जैसा कह रहे हो वो थर्ड ग्रेड की होगी। अरे ऐसी औरतों को मैं नहीं जानता। अगर ज्यादा अर्जेंट है तो उस्मान भाई से बात कर लेना, उस्मान भाई तुम्हारा काम कर देगा। क्या आप पूछ कर बता सकते हो भाई? ओके ठीक है, रखता हूँ। वो कह रहा है उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर जाकर जल्दी से तू मेरा बैग लेकर आ। हेलो कब पहुंचे तुम? हम महारानी में मिलते हैं ना? हाँ मैं वहां आ जाऊंगा। हाँ हाँ नहीं, नहीं नहीं मैं फ्री हूँ, फ्री हूँ, सिनेमा से ज्यादा मिलना जरूरी है भाई। हाँ ओ श्योर श्योर, हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। क्या प्रभु सर, आपने कार की चाबी दिया है क्या? हाँ दिए ना। Climax is good, but what about the cost? Shooting in this city, cost will be very high. Then, you know, crowd and controlling them. नहीं, लेकिन मैं इन चीजों में कोई compromise नहीं कर सकता। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि मेरी story में इसी city की चीजें हैं, और जो पात्र हैं वो इसी city के आम इंसान भी हैं। उनके आंसू, उनका पसीना, उनकी तकलीफ, अगर ये सब depth में चाहिए तो ये सब उनके आसपास ही हमें shoot करना होगा। और अगर आर्टिफिशियल में ये सब किया तो ये फिल्म वो नहीं बन पाएगी जो मेरे दिमाग में है। ओके आई एग्री विद यू, बट प्रेमलाल की डेट तो कंफर्म हो जाएगी ना? मेरे ख्याल से एक दो दिन में प्रेमलाल की डेट कंफर्म हो ही जाएगी। ऐसा है तो फिर समझ लो फिल्म शुरू हो गई। थैंक यू। सुनो, सूरा यहाँ आया था क्या? कल रात घर नहीं आया वो। अगर तुम लोगों को दिख जाए तो उसे कहना कि उसकी माँ और बहन मर गई है और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है। अरे माँ जी, आपको पता नहीं है क्या, कल ऑटो में उसे एक भरा हुआ बैग मिला था। अच्छा? मैंने सुना उसमें पैसे थे। अब वो जरूर पुलिस स्टेशन गया होगा उस बैग को वापस देने। उसकी माँ और बहन यहाँ भूखी मर रही है और उसे अपनी फोटो न्यूज पेपर में छपाने की पड़ी है। बस उम्मीद है कि उसने वो बैग वापस ना किया हो। देखते हैं। क्या यार सोमा, फिर उसने उसके पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी।
आयशा, ये लड़की बिना पानी चालू करके चली गई। यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो। बस से क्यों नहीं आया? आज वो बाइक से आया है, बस का पैसा उसने बचाया। हाँ, क्या कर रहे हो? क्या हालचाल? आज प्रोग्राम नहीं बनाया क्या? आज दुकान बंद है। रशीद भाई ने कहा था ना, दो दिन तक कोई प्रोग्राम नहीं होगा। ये गल्फ वाले लोग ऐसे ही होते हैं, जब आते हैं तो बोतल साथ लेकर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वैसे वो रिक्शा वाला सूरा नहीं आया? अरे मेरे भाई, रशीद ने उसे वीजा का लालच दे दिया है, इसलिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है। लगता है उसको पॉकेट में ले लेगा। ओहो, चांस ही नहीं है। तुम्हें पता नहीं है ये गल्फ के बंदे कैसे होते हैं। मुझे भी गल्फ आने के लिए इनवाइट किया था उस रेगिस्तान में, मैं नहीं गया क्योंकि मुझे वहाँ जाकर साफ सफाई का काम नहीं करना था, किसी और को ढूंढने के लिए बोला था मैंने। तुम्हें पता नहीं है अच्छे पैसे मिलते हैं वहाँ पर। सब बकवास है। तुम्हें क्या लगता है सारा पैसा मेहनत का है? अरे उसने तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है। अरे मैंने सुना है कि उसने किसी अरब को धोखा देके पैसे कमाए हैं। हाँ? क्या यार शोभा, उन चीजों के बारे में बात करके क्या फायदा जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। उसके साले ने मुझे सब कुछ बताया है। तुम्हें एक बात और पता है क्या, उसके पिताजी कौन है? अरे मछली बेचने वाला मोहम्मद। अरे वही जो कंधे पे लाद के मछली ले लो चिल्लाता था ना, वो दुबई जाके इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? तुम ही सोचो ऐसा हो सकता है क्या। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या, चलो किसी चीज में तो माहिर हो। अच्छा, बैठ के फालतू की बकवास करते रहते हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है किसी ने फोकट में ही दिया होगा। उसका चेहरा देखा, मुझे तो लगता है कि मिलिट्री वाले ने दिया होगा। मैं भी यही कहने वाला था, मुंह की बात छीन ली तूने। अच्छा रशीद घर पे है क्या? जाके दुकान की चाबी लेके आता हूँ, उसके बाद वाइन शॉप जाएंगे, बाकी का सारा अरेंजमेंट तुम लोग देखोगे। अरे सुनो, ए सुरा। अरे यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है? तुझे पता है आज बहुत सारे कारनामे हुए हैं तेरी जगह पर। तेरी गाड़ी रिपेयर नहीं हुई क्या? वो तो वर्कशॉप में है। हाँ, मैंने तेरे बच्चों को पिक भी किया था, फिर घर पर भी छोड़ा था। तुझे भी गाड़ी निकालनी चाहिए। लेकिन मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, चल मेरे साथ, चल। सोच क्या रहा है, चल ना, वैसे भी पूरी टीम इंतजार कर रही है, चल। क्यों? लगता है सबने पूरा प्लान बनाया है आज। ए सुनो, शटर गिरा देना।
तुम रो रहे हो क्या? मुझे बहुत दया आ रही है, पर यही तो जिंदगी है। हम जैसा सोचते हैं हमारे हिसाब से जिंदगी में कुछ नहीं होता। चलो अब ये सब छोड़ो और यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। कितना बड़ा बेवकूफ है तू। लोगों को उनके बारे में नहीं पता तो पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा। हाँ तो तुम्हें क्या करना चाहिए फिर? तुम्हें जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालना चाहिए ना। लेकिन सर मेन बात तो ये है कि समस्या वो नहीं है सर। अरे तो अब तेरी समस्या क्या है वो बोल। बाकी की दुकान अभी बंद नहीं हुए होंगे तो मैं उनको बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? अरे 10:30 बज गए, जरा टाइम तो देख। वो पानी की दुकान का क्या? अरे अब तक तो पानी भी अपनी दुकान बंद करके घर पहुंच गया होगा, जाके देख ना तू। क्या हुआ? मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इस टाइप की नहीं हूं। बिना मेहनत के पैसे हजम ही नहीं होते मुझे। ये वही है, तुम अपना सामान सब ले लो। अब निकलो यहां से। लेकिन तुम ऐसे हालत में घर कैसे जा सकते हो? मैं वो मैसूर से शॉपिंग करके एक शर्ट लाई थी, ये रहे, मुझे पसंद आई थी इसलिए ले ली। पता नहीं तुझ पर कैसी लगेगी, पर पहन ले, मेरे को लगता है तुझ पर अच्छी ही लगेगी। तुमने अपना नाम नहीं बताया। ओ, वो जानने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग हर दिन एक नया नाम रखते हैं। तुम चाहो तो मुझे सोना बुला सकते हो। मेरा दिल भी बिल्कुल सोने जैसा ही है। वो चली गई क्या? शटर खोलने के बाद तू कहाँ चला गया था? मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि ये किसने खोला इतनी रात को। तूने नहीं खोला? नहीं, मैंने नहीं खोला। तो फिर दूसरी चाबी तो तुम्हारे घर में है ना भैया? मेरे से गलती हो गई भैया। कल रात को पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया था क्योंकि मैं पीकर चला रहा था। मुझे पुलिस स्टेशन ले गए थे तो खबर देने के लिए मैंने तुम्हारे घर पे फोन कर दिया था,
फिर? लेकिन मेरे को इस बात का पता नहीं कि घर में किसने फोन उठाया होगा। चलो चलते हैं। तुम दोनों अभी तक जाग रही हो? हाँ? क्यों पढ़ना नहीं है? तू भी यहीं। एक बात जानती हो, कल रात बहुत बड़ा तमाशा हो गया। मेरा दोस्त है ना मंजेरी, दरवाजा खोलो सबा, दरवाजा खोलो सबा। कहाँ थे? कहाँ थे आप? बेटी, अभी आप कुछ मत कहिए। आप तो हमेशा सबको सलाह देते फिरते हैं ना, और अब छी, नफरत करती हूँ मैं आपसे। आप ऐसे क्यों जीते हैं? मुझे आपकी आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। देखो चले जाइए आप यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अब क्या करूं? रशीद भाई, मैं एक बात बताऊं क्या? मैं किसी को जानता हूं जो बहुत बड़ा इंसान है, वो कैसे भी इसका रास्ता ढूंढ लेगा। चलो ना, हम उससे जाकर मिल लेते हैं। ज्यादा सोचो मत भाई, ये शर्ट पहन लो। सर, ये रहा आपका बैग। अभी तो आपको विश्वास हो गया ना कि कोहिकुड़ के ऑटो वाले धोखा नहीं देते, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। समस्या? हाँ। क्या समस्या है? रशीद भाई बाहर खड़े हैं। यही है क्या रशीद? लेकिन तू उसको यहां क्यों लेकर आया? हमें पता नहीं कि घर में किसने फोन उठाया, इसलिए हम बहुत ही टेंशन में हैं। सर कोई आइडिया हो तो। मैं कोई आइडिया देने वाला जी नहीं दिख रहा हूँ क्या? चल जल्दी कर, उसको वापस लेकर जाए यहाँ से। लेकिन सर वो जो कुछ भी है उसे घर तो जाना ही पड़ेगा ना, ऐसी परिस्थिति में वो जीना सीखेगा। अभी जाओ यहाँ से, जाओ। देखो हम दोबारा फिर कभी मिलेंगे, लेकिन ऐसे कन्फ्यूजन के साथ नहीं, बल्कि कोशिश करेंगे कि अच्छे माहौल में मिले। हाँ। जाकर नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। डैडी, ये कैसी शर्ट है? इसमें फूल बने, कौन से फूल हैं? तू अब तक सोई नहीं? नहीं, सोने ही जा रही थी। सो जाओ।
मेरे लिए फोन आया है पापा। हाँ बोल। ए, तू सिंगिंग कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई यार। थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। ओके ठीक है। तूने दूल्हे से बात की थी क्या? ए, तू जानकर क्या करेगा? अच्छा एक बात बता, तुझे इस वक्त किसी काम के लिए मेरी जरूरत तो नहीं है ना? अभी के लिए इतना काफी है, अगर जरूरत होगी तो मैं कॉल कर लूंगी। देख, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ। ओके बाय बाय। ओके ठीक है, बाय, गुड नाइट। नाइला, मैंने उस बारे में किसी को नहीं बताया। मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ, पापा अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके बेकार फ्रेंड्स, आप उनका साथ छोड़ दीजिए। फ्रेंडशिप ऐसी नहीं होती, मुझे ही देख लीजिए, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उनसे कुछ करने के लिए कहूँगी तो वो कर देंगे बिना कुछ सवाल किए, इसे फ्रेंडशिप कहते हैं पापा। आप चिंता मत कीजिए, ये प्यार भी नहीं है, साथ में पढ़ने वालों के साथ प्यार कौन करता है, और क्लासमेट्स के साथ कोई शादी करता है क्या? वही क्लासरूम्स, वही टीचर्स, वही जोक्स और वही सारे फ्रेंड्स, वही चीजें जिंदगी भर दोहराना बहुत बोरिंग है पापा, मुझे पढ़ना है। मेरे सारे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर मैं ऐसे कैसे रहूं पापा? मुझे पढ़ाई करने दीजिए, मुझे आगे पढ़ना है पापा। आपने बताया नहीं कि आप बाहर जाने वाले हैं, मोबाइल भी नहीं लेकर गए, कम से कम घर के नंबर पर तो फोन कर सकते थे ना? मैंने आपको जमाल के बारे में इसलिए नहीं बताया कि आप नाराज हो, लेकिन जब सब रिश्तेदारों को बुला रहे हैं तो। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम नायला की सगाई पोस्टपोन ही कर दें। अचानक ये फैसला कैसे कर लिया? देखो, वो बेचारी जो कह रही है वो सही है, वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने देते हैं, यही ठीक होगा। अरे लेकिन आपने सोचा है कि हम लोग लड़के वालों को कैसे समझाएंगे? उसके बारे में तुम चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। चलो आओ सो जाओ। हेलो हेलो, ए तू मुझे जैसा बता रहा था ना वैसा स्टॉक आ गया है, तू जल्दी से आ जा बस। तुम फोकट का मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। ए तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने खुद मुझे कहा था ना कि तुझे चाहिए, अब क्या हुआ? क्योंकि तुम कोई अच्छा काम करके जियो, किसी को भी चैन से जीने ही नहीं देते हो। चलो फोन रखो। अरे फोन रख, फोन रखता है कि नहीं तो? देख तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। अबे जा जा फोन रख चल। खाली फोकट सता था। Thank you.
सॉरी, ट्रेन मिस हो गई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी अभी ही आया हूँ। और मेरा वो स्क्रिप्ट वाला बैग गुम गया, और जब बैग वापस मिला तो उसमें स्क्रिप्ट नहीं थी। तुमने जो मांगा था वो ये रहा। ऐसी परिस्थिति में वो सब कुछ बाद में देख लेंगे, पहले जाकर फिल्म बना लो। और कल ही मुझे एक कहानी भी मिली है, तुम भी पढ़ लेना, बहुत अच्छी कहानी है। मैं कुछ भूल गई, मैसूर में कुछ खरीदा था आपके लिए, एक शर्ट। फिर क्या, किसी और को देनी पड़ी, प्यार से नहीं। उस शर्ट के ऊपर लाल गुलाब के फूल बने हुए थे। बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने उसे सिर्फ वो शर्ट दी है, फूल नहीं दिया है, ये तुम्हें पता है ना। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, इसे एक बार पढ़ लेना, अच्छी फिल्म बनेगी। अभी मेरे दिमाग में एक नई कहानी आई है, शटर।